हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ई बाइक शो। तो जिस साइकिल का आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो मेरे पास आ गया है, एल्वर बाय 29 मोटर्स। तो इसका मैं आज पैडल असिस्ट रेंज टेस्ट करूंगा। इसमें 15 AH का बैटरी है और जिसके साथ कंपनी 70-80 किलोमीटर्स का रेंज क्लेम करती है। तो चलिए देखते हैं ये रेंज अचीव हो पाता है या नहीं। सुबह का 10 बज रहा है और इसका रेंज टेस्ट करने के लिए आज मैं इसे प्रॉपर सिटी कंडीशन में चलाऊंगा, जहाँ पे हेवी ट्रैफिक रहेगा, 5-6 फ्लाईओवर्स रहेगा, और इन कंडीशंस में मैं देखूंगा ये 15 AH का बैटरी कितने किलोमीटर्स का रेंज देता है पैडल असिस्ट मोड। इसमें टोटल 5 लेवल्स ऑफ पैडल असिस्ट है और अभी मैं लेवल 3 में चला रहा हूँ और लेवल 3 में मुझे अभी कॉन्स्टेंट स्पीड मिल रहा है 22 का, और मैं जब रिटर्न करूँगा उस टाइम मैं लेवल 5 पे स्विच करूँगा। और बैटरी का टोटल 5 बार है, तो चलिए आगे देखते हैं ये कितना चलता है। लेट्स सी। यहाँ पे मैं राइट का 4th फ्लाईओवर काम करने जा रहा हूँ। बैटरी अभी भी फुल है और मुझे कॉन्स्टेंट स्पीड मिल रहा है 22 का। जस्ट फ्लाईओवर की ड्राइव करेंगे और अभी तक मैंने देखा मोटर अच्छे से पुश कर रहा है, मोटर में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है फ्लाईओवर क्लाइंबिंग के दौरान स्पेशली। और ये चढ़ान काफ़ी ज़्यादा है बट स्टिल मोटर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ तक 22 किलोमीटर हो चुका है और बैटरी स्टेटस अभी भी फुल दिखा रहा है और मुझे कॉन्स्टेंट स्पीड मिल रहा है 21। हालांकि लास्ट टाइम जब मैंने फ्लाईओवर क्लाइंब किया था तो उस टाइम फर्स्ट बार ड्रॉप दिखा रहा था, बट अभी तो फुल दिखा रहा है। अभी तक अच्छा ही चल रहा है, लेट्स सी और कितना चलता है ये। नेपाल के सड़कों में चला रहा हूँ। जस्ट मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जोन था तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया बॉर्डर क्रॉसिंग वाला। वहाँ पे एक ब्रिज है तो ब्रिज क्रॉस करके नेपाल में एंटर करना पड़ता है। तो अभी मैं नेपाल में ही हूँ, नेपाल में चला रहा हूँ। आपको नेपाल का नंबर प्लेट दिख रहा होगा गाड़ी में। एनीवे यहाँ तक
40 किलोमीटर्स हो चुका है, तो मुझे अभी यहाँ से यू टर्न लेना चाहिए, क्योंकि एज़ पर कंपनीज क्लेम 15 AH बैटरी 70-80 किलोमीटर्स चलेगा। तो यहाँ से मेरा घर भी 40 किलोमीटर्स है, तो यहाँ तक 40 किलोमीटर्स हो चुका है, तो अगर बैटरी डेड ना हुआ तो मैं घर आसानी से चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। एनीवे यहाँ तक मैंने लेवल 3 पे चलाया, अभी मैं इसे लेवल 5 पे स्विच करूँगा और आगे का जर्नी लेवल 5 पे ही कंटिन्यू करूँगा। मुझे अभी भी 20 का स्पीड मिल रहा है लेवल 3 पे और बैटरी का आखिरी 3 बार दिखा रहा है और यहाँ तक 40 किलोमीटर हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं लेवल 5 पे स्विच करता हूँ। 4-5 इंस्टेंट बूस्ट मिला मुझे। अभी लेवल 5 पे डालते ही बैटरी का आखिरी 2 बार दिखा रहा है। आई होप मैं घर पहुंच जाऊं। लेट्स सी। आगे जो आपको साइन बोर्ड दिख रहा है, इधर से मैं फिर इंडिया जा सकता हूं। और ये मेरे बाजू में नेपाल का बस स्टैंड, और यहां से आप देख सकते हैं, अगर आप काठमांडू जाना चाहते हैं तो आप यहां से बस पकड़ सकते हैं। और यहाँ से 28 किलोमीटर्स है सिलीगुड़ी, बट मेरा घर 40 किलोमीटर्स है, 35 किलोमीटर्स है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अब घर, और यहाँ पे वीडियो मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है। यहाँ तक 65 किलोमीटर्स कवर हो चुका है और बैटरी अभी भी लास्ट बार दिखा रहा है और स्पीड मिल रहा है कॉन्स्टेंट 27 लेवल 5 पे। अभी जस्ट मैंने नोटिस किया आखिरी बार भी ड्रॉप दिखा रहा था और यहाँ पे अभी जस्ट 67 किलोमीटर्स ही हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि ये 80 किलोमीटर्स चल पाएगा। स्पीड तो अभी अच्छा ही मिल रहा है, वैसे अबाउट 25 का स्पीड मिल रहा है मुझे। लग नहीं रहा है कि बैटरी लो है। हॉर्न भी काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, पीछे का लाइट भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और वैसे यहाँ पे 70 क्रॉस कर चुका है और बैटरी अभी एकदम से एम्प्टी दिखा रहा है बाइक स्लो होने के बावजूद भी। यहाँ पे 79 किलोमीटर्स हो चुका है और मोटर अभी भी असिस्ट कर रहा है, तो मैं इसे तब तक चलाऊंगा जब तक मोटर असिस्ट करेगा, और जैसे ही असिस्ट करना बंद कर देगा मोटर मैं इसे रोक दूंगा। बट अभी तो मोटर असिस्ट कर रहा है, हालांकि स्पीड लो है बट फिर भी मोटर असिस्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं इसे चला रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं पैडल घुमाता हूँ मोटर असिस्ट करने लगता है। अभी स्पीड और लो हो रहा है। जैसे कि अभी स्लो किया था मैंने और जैसे ही मैंने पैडल दिया मोटर असिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अभी ऐसा लग रहा है मुझे मोटर असिस्ट करना बंद कर दिया है। तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, थोड़ा उधर रुकता हूँ, इधर भीड़ भाड़ इलाका है।
तो यहाँ पे आप ओडोमीटर के हिसाब से देख सकते हैं 79 किलोमीटर्स हुआ है। हालांकि 1 किलोमीटर मैंने ऐसे ही ट्रायल दिया था जब मैंने अनबॉक्स किया था साइकिल को, तो उस हिसाब से मुझे 78 किलोमीटर्स का रेंज मिला इसके साथ, बट स्ट्रावा के हिसाब से 80 किलोमीटर्स हुआ है। वैसे रेंज अच्छा ही है, नॉट बैड, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग 80+ किलोमीटर्स एट लीस्ट, क्योंकि टोरॉयड एंड रिनर्ट साइकिल का जब मैंने टेस्ट किया था सेम रूट पे, तो उसमें भी 15 AH का बैटरी था और दोनों ही साइकिल्स के साथ मुझे 80+ किलोमीटर्स का रेंज मिला था। तो इसके साथ भी मैं 80+ किलोमीटर्स का रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था, हालांकि स्ट्रावा के साथ 80 किलोमीटर्स का रेंज मिला है, तो उस हिसाब से इट्स नॉट अ बैड नंबर दो। एनीवे, ये वीडियो यहीं तक था, सी बुल फाइट। एनीवे, ये वीडियो यहीं तक था, इसके बाद इसका थ्रॉटल रेंज टेस्ट आएगा, सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन मैं अजय साइनिंग ऑफ। अभी भी बुल फाइट हो रहा है, शुड आई गो फ्रॉम दिस साइड और नॉट, बेटर आई शुड टेक यू टर्न।